हेल्थ जो है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है। हेल्थ का मीनिंग ये नहीं कि बीमारी नहीं होना, नेगेटिव मीनिंग कतई नहीं रहती है हेल्थ की। हेल्थ का मीनिंग यही है कि आप बॉडी के हिसाब से शारीरिक तौर पर और माइंड के हिसाब से मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं। नॉर्मल तौर पर हम जो शारीरिक बीमारियां है, कहीं हेडेक है, बॉडी पेन है या कोई सीरियस इलनेसेस है, उन्हीं को हम बीमारी कहते हैं या हेल्थ इलनेस कहते हैं। लेकिन माइंड को अगर कुछ बीमारी होती है, वो स्वस्थ नहीं है, बेचैन है, आपके स्वभाव में, आपके नेचर में बदलाव आया है, आप चिड़चिड़े हुए हैं, उसको हम इलनेस नहीं मानते हैं, ना ही उसको ट्रीट करने के लिए प्रयास करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि छोटे बड़े तौर पर ऑलमोस्ट 40% लोगों को हेल्थ रिलेटेड इलनेसेस रहते हैं। इवन आप में भी हो सकते हैं, मुझ में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो परमानेंट हो, कुछ एक दिन के लिए भी हो सकता है। हमने एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मेंटल इलनेस जरूरी नहीं कि जो मैड पर्सन है उतने ही लेवल का होना चाहिए। जो मैड पर्सन है वो तो उसके माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, इट इज़ एक्सट्रीम सीवियर मेंटल इलनेस। लेकिन उससे पहले वाले भी बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं, नॉर्मल स्टेजेस भी रहते हैं, उनको हमने एक्सेप्ट करते हुए उसको अगर ट्रीट करेंगे तो हम जो है सही मायने में हेल्दी कहलाएंगे। मरकजी सरकार ने इसी के हिसाब से मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। हमने हर एक ज़िले में डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एक 3 कमरों का एक ब्लॉक रहेगा जिसमें कंसल्टेंट रहेंगे, काउंसलिंग करने वाले लोग रहेंगे, इवन वहाँ अप्रो सुटेबल मेडिकेशन अगर ज़रूरत है, मेडिसिन देने की ज़रूरत है वो देने के लिए लोग रहेंगे। वो एस्टेब्लिश किए हैं 8 जिलों में और 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो फंक्शनली शुरुआत हो जाएगी। कल ही डिविजनल कोविड कंट्रोल रूम में मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस को काउंसलिंग करने के लिए 24/7 एक हेल्पलाइन लॉन्च की है। मेरी आपके ज़रिए से वादी के तमाम आवाम को, खास करके उन नौजवान को अपील है कि पिछले 2-3 हफ्तों से देखा हमने कि बहुत सारे सेल्फ हार्म के या गलत तरीके से जिंदगी को ख़त्म करने के जो तरीकाकार बढ़ रहे हैं, सुसाइड्स के जो इंस्टांसेस बढ़ रहे हैं, उसको रोकना ज़रूरी है। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, आप सब जानते हैं, उल्टा उससे जो है जो फैमिली मेम्बरान को ज़्यादातर परेशानी ही बढ़ती है। तो आप अपने ज़िंदगी से जो एंड करने का अंतिम फैसला अगर कोई लेते हैं तो डेफिनेटली ये एक तो गुनाह तो ही है, लेकिन इवन कोई रिलीजन भी उसको लिए सपोर्ट नहीं करता है, चाहे कोई भी रिलीजन है, इस्लाम है, हिंदुइज्म है या बौद्धिज्म है, इससे समस्या सॉल्व नहीं होती है। और समस्या सॉल्व करने के लिए जो है आपको फर्स्ट तो कहीं अगर मेंटल इलनेस है तो उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है। काउंसलिंग जो है आप प्रोफेशनल लोगों के ज़रिए से ले लीजिए, डेफिनेटली जो है आप भी हेल्थ रहेंगे, आपकी फैमिली में भी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं रहेगी। मैं जो इस एनजीओ के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उनको भी उनके जो प्रयास में सफलता मिले ऐसी शुभकामनाएं देता हूं।